राइजिंग पाकिस्तान में यहाँ पीटीवी कराची सेंटर में आज हमने एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए सजाया है, एक स्पेशल नशिस्त सजाई है और एक ऐसी खातून से आपको मिलवाने जा रहे हैं हम कि जो मतलब शुरू में जब ये बात किया करती थी तो लोग कहते थे अरे भाई छोड़ो, कोई गुर्दे का मसला हो तो बताओ, कोई आंख का, दिल का, कोई जिगर का मसला हो तो बताओ कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ होती है। अभी ज़िंदगी में बहुत बड़े झमेले हैं भाई, मेंटल हेल्थ पे बात करने का वक्त नहीं, लेकिन अब रिसर्च ने सभी ने साबित किया कि मेंटल हेल्थ की अगर हम बचपन से ही ख्याल रखें बच्चों की तो आगे चल कर ये बहुत सारे सोसाइटी के मसाइल, पीस, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाकर बिगाड़ पैदा कर देता है और हम फिर कह रहे होते हैं कि चाहे ये इंसान ऐसा है, फिर हम इंसानों को जज करने लग जाते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि इस सेगमेंट में आज हम बात करें कि किस तरह से हम बच्चों के अंदर जो है वो पीस कायम रख सकते हैं, इनफैक्ट हम अपने अंदर किस तरह से पीस कायम रख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनल धरानी जो कि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, उनसे आज हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सोनल, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। We are so very happy to have you. अच्छा ये बताएं कि जो मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट रखा कि शुरू में या अभी भी शायद लोग कहते हो कि मेंटल हेल्थ तो नहीं, तो हार्ट अटैक की बात करो, तो कोई कैंसर की बात करो, ऐसा होता है ना, लोग सीरियस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है और ये अब तक ऐसा नहीं है कि जब हमने अपनी जर्नी शुरू की सिर्फ उसी वक्त ऐसा था, अभी भी लोग अपने बारे में बात करने में बहुत डरते हैं। या ऐसा होता है कि जब भी हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो उन्हें डर लगता है कि हम पे एक थप्पा लगा दिया जाएगा कि कहीं पागल तो नहीं है, या हमें बताया जा रहा है कि कहीं पागल तो नहीं है, या किसी एक को पता चला तो माशरे में सबको पता चल जाएगा कि मैं कोई ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव से गुजर रहा हूँ। तो अब भी लोग बहुत डरते हैं इस बारे में बात करने में। तो इस वक्त भी जब मैं इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ तो मैं बहुत अलग किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, जैसे अपने बारे में जाने, डिस्कवरिंग योरसेल्फ, अपनी अंदरून की ताकत को जाने, तो बहुत इनडायरेक्ट तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन कोविड के टाइम में और कोविड के बाद हमने एक बहुत मेजर शिफ्ट देखा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी, कि लोगों को ये समझ में आया जब वो एक पॉज आ गया, सबको अपने साथ बैठना हुआ, तो इन्हें ये समझ में आया कि आधे से ज़्यादा मसले तो खुद में और अपने घरों में हैं, जहाँ हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने को तैयार नहीं है। ख़ुद के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना बहुत उलझन का बाइस है। आप छोटी सी मिसाल ऐसे देखें कि जब कोई मेडिटेशन या योगा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है तो वो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद के साथ बैठना कितना मुश्किल अमल लगता है बहुत सारे लोगों को। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग 5 मिनट या 2 मिनट भी खुद के साथ गुजारने को तैयार नहीं है। तो हमारी ज़हनी सेहत का अलमिया क्या है पाकिस्तान में? सोनल, हम खुद से इतना डिसकनेक्ट क्यों हैं? हम हर कोई मसला चल रहा होता है हमारे, इनफैक्ट हमारे अंदर भी हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हमारी कोशिश होती है हम आगे पीछे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होकर उस टाइम को किल कर दें, उसको इग्नोर कर सकें और हम आगे बढ़ते रहें, ताकि बस इग्नोर करें इस चीज़ को। खुद के अंदर हम क्यों नहीं उस मसले का हल ढूंढते? तो इसमें यह कि सेल्फ टाइम या सेल्फ केयर के ऊपर कभी भी जोर नहीं दिया गया। आप अगर अभी भी अपना स्केड्यूल देखें तो मी टाइम के नाम पे लोग कहते हैं कि हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मैं अकेले बैठी होती हूँ, तो सच तो ये कि उसमें भी हम इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर हम मी टाइम की बात करें तो बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा मुझे बताएं मैं मी टाइम में क्या करूँ। कोई स्पेशल नहीं है मी टाइम, आप खाना भी खाते हैं तो वो भी आपका अपना वक्त है, बस आप ये टेक्नोलॉजी छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें, मतलब कोई भी काम जो आप किसी और कंटेंट को कंज्यूम किए बगैर करें वो आपका मी टाइम है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, एम्ब्रॉयडरी करना जिसमें आप खुद के साथ पेंट करना, बिल्कुल माइंडफुल क्रिएट करना, म्यूजिक सुनना, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे सबीन जो भी बात कर रही थी ना कि इंसान अपने आप के साथ, जो आप कह रही थी 5 मिनट भी अकेले में अपने आप से गुजारने पड़े तो हम घबरा जाते हैं, उसकी शायद वजह ये भी हो कि आप जानते हैं अपने आप को कि मैं कितना गलत आदमी हूँ, है ना, तो गलत बंदे के साथ आप टाइम नहीं गुजारना पसंद करते, तो फौरन आप कहते हो नहीं नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, भाई जरा फटाफट सबीन से बात करो, कहीं ऐसा भी होता होगा। बिल्कुल सच है कि हम अपना आप देखने को तैयार ही नहीं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग थेरेपीज या मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम में जाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दफ़ा उन्हें वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैं जो मसला लेके जा रहा हूँ, जो भी काउंसलर है, थेरेपिस्ट है या जो भी कोई प्रोग्राम है, वो मान ले कि जो मैं मसला ला रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ ही गलत हो रहा है, बट वो मुझे ये ना बताए कि इस मसले में कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट आप खुद भी हैं और आपने भी कुछ करना है इसको ठीक करने के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत इक्वल बैलेंस होता है और इसकी आदत नहीं है हमारे माशरे में। अच्छा सोनल धनानी ये बताएं, आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं बच्चों के लेवल पे ही,
आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को लेके जाने के लिए मेंटल हेल्थ पे एज अ करिकुलम मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। इसको ज़रा थोड़ा सा हमें इसकी तशरीह फरमाइए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इमोशंस, जज्बात ऐसे होते हैं स्पेशली एक बच्चे के लिए जो कि वर्बली बताए नहीं जाते, वोकलाइज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आर्ट्स और आर्टिस्टिक टूल वहाँ पे एक ऐसा मीडियम बन जाता है जो कि ये मुश्किल जज्बात को बहुत आराम से बताने का एक मौका देता है। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के जज्बात क्या, मतलब वो तो खास है भी नहीं, तो उसको ध्यान भी नहीं दिया जाता, लेकिन बच्चे बहुत सारे इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं स्पेशली आर्टिस्टिक मीडियम से बहुत ज़्यादा। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम उस पर एडवोकेसी करता है कि किस तरीके से स्कूल्स के अंदर मेंटल हेल्थ करिकुलम इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, क्योंकि आप खुद इमेजिन करें एक बच्चा अगर क्लास वन से लेकर टेंथ तक मेंटल हेल्थ की टेक्निक से गुजरते हुए क्लासरूम के इन्वायरमेंट से निकला है, तो हम कितना हद तक प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं। जब वो प्रिवेंशन पे काम होगा तो काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ के इश्यूज पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन अगर एक बिहेवियर बन गया है 10 साल 12 साल और उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि अब तुम ऐसा मत सोचो, तो वो बहुत मुश्किल है, करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अच्छा, बच्चों के बिहेवियर पे टीचर्स का रोल इसमें आता है, पेरेंट्स का रोल इसमें आता है कि बच्चे का बिहेवियर खुद उसकी मेंटल हेल्थ बता रहा होता है कि अब स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा, कोई फिगर आउट नहीं कर रहा होता। अच्छा, बच्चे का स्कूल जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा, या मेरे पेट में दुख रहा है, ये कितना आम सी बात है, हम सुनते हैं आज मुझे बहाने कर रहा है क्योंकि स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ाई का दिल नहीं है, जो कि ये भी हो सकता है यानी कि ये नहीं हो सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हम दूसरा रुख नहीं देखना चाहते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल शेयर करूंगी कि जब मैं एक कैंप करा रही थी उसमें हमारे पास 79 में से सिर्फ एक स्पेशल बच्चा था विद ADHD डिसऑर्डर। ADHD इज स्टिल वेरी मैनेजेबल, बहुत हाइपर बच्चे होते हैं। तो कैंप की क्लोजिंग में उसके पेरेंट्स आए और उन्होंने शेयर किया कि ही वॉज 13 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, कि इन 13 ईयर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम माई किड इज़ स्माइलिंग एंड दिस इज समथिंग टू 13 साल में पहली दफ़ा बच्चा मुस्कुराया था, हंसा है, बिल्कुल। एंड जस्ट बिकॉज के उस पूरे कैंप में वो बच्चा 3 चीज़ों में हिस्सा लेता था, आर्ट, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि अगर एक बच्चा जिसको ADHD है वो इन मॉड्यूल्स की मदद से, इन टूल्स की मदद से इतना एक्सप्रेसिव हो सकता है, तो अगर हम सब शुरू से इन टूल्स से गुजरते हैं तो हम सब के अंदर कितनी नरमी होगी, कितना एक्सप्रेशन होगा, और हम सब दूसरों के लिए माशरे में कितनी जगह बनाएंगे जहाँ सबके पास एक्सप्रेस करने की गुंजाइश है। लेकिन माहिरीन तो कहते हैं ना कि ये फ़नून लतीफ़ा जो आर्ट्स हैं, लिटरेचर है, ये क्या करता है, ये असल में आपकी शख्सियत पे वो गुदाज पैदा करता है, उसको लतीफ़ करता है, आपको सॉफ्टन करता है, बिल्कुल ऐसे आपके आपकी शख्सियत का खुरदरापन जो है उसको मेलो करता है। और फिर उसके बाद आप मैथमेटिक्स में चले जाएँ, केमिस्ट्री में चले जाएँ, आप IT प्रोफेशनल बन जाएँ, आप कोई एक्टर बन जाएँ, आप जहाज उड़ाएँ, आप एयरफोर्स में चले जाएँ, कुछ भी है, तबीयत में, शख्सियत में वो गुदाज और लताफत बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपके अंदर वो नरमी है, आप खुद के साथ वक्त गुजार सकते हैं, आप खुद के साथ पीस पे हैं, दैट्स वेयर योर आउटर एक्शंस आर पीसफुल एज वेल। और ये एक इतना ब्यूटीफुल एक्सचेंज है, कुदरत ने इतना प्यारा एक्सचेंज रखा है कि आप अपने साथ अमन कायम कर लें, आप खुद ब खुद पीसफुल होंगे आउटर वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जहाँ आप खुद में उलझे हुए हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप कुछ भी कर लें, आप वेस्टर्न मुल्क में हो, आप किसी भी इकोनॉमी में हो, आप उलझे हुए ही रहेंगे। सो इस वजह से मुझे लगता है कि किसी भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत अर्ली एज से मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें, और अगर नहीं तो क्रिएटिव स्पेसेस बनाएं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत दफ़ा काउंसलिंग या बहुत एकदम से वोकलाइज करना अपने इमोशंस को, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक ये जगह नहीं दी लोगों को कि आप बात करें, और बहुत सारे लोग थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्रिएटिविटी इज़ ऑल अराउंड अस। पाकिस्तान की हर कौमियत में, हर सकाफत में आर्ट्स एंड कल्चर किसी ना किसी तरह मौजूद है, और बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूसरे सोसाइटीज को आप देखें तो बहुत से माशरों से हम में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इवन नाउ मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, फ्लड्स के उससे गुजर रहा है, तो इन इकोनॉमीज में भी आप देखें कल्चर मौजूद है, आर्ट वर्क हर किस्म का मौजूद है, इस आर्ट वर्क को इस्तेमाल करते हुए
आप थेरेप्यूटिक टूल भी पहुंचा सकते हैं और आप इकोनॉमिक रिवीजन भी पहुंचा सकते हैं। तो थेरेपी हर फॉर्म में, हर कल्चर में मौजूद रही है हमेशा से। आप हमारे बड़े बुजुर्गों को देख लें, आपने देखा होगा कि वो सिलाई कढ़ाई कलरफुल चीज़ों में इतने इंगेज रहे कि उनका माइंडफुलनेस का लेवल कुछ और था, और इस वजह से उन्हें थेरेपीज और इन चीज़ों की तरफ उस चीज़ नीड नहीं थी। मेले लगते थे, लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे। यही सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आज के फॉर्म में थोड़ी एडवांस होके थ्योरीज के साथ अटैच होके आपको थेरेप्यूटिक टूल्स में नजर आती है। और अब आप जैसे माहिर आके हमें बताते हैं कि देखो भाई ये करने की बहुत ज़रूरी है, और साथ ही फिर ये भी बता देते हैं कि हम जैसे माहिर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने अपना वो अपनी वो जो असास थी, हमारी कल्चरल जो हेरिटेज था, उसको अब वो मेले ठेले लगते ही नहीं लगते ना, वैसी बातें होती है ना, वैसे बैठते हैं ना, वैसे अब हमारे हमारे मेले ठेले ये हैं, है ना, हमें आप हर वक्त फोन में हम उस मेले से जो हमने लेना था हम इससे ले रहे हैं। अब हमें एंटरटेन होना होता है, हमें सुकून चाहिए होता है, तो हम बस कुछ ना कुछ लगा लेते हैं कि भाई कोई मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया। सोनल हमारे साथ मौजूद है, सोनल धरानी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू की रोशनी में अब हम सोनल से लेंगे हम 4-5 टिप्स कि करना क्या है जी, घर के लेवल पे और स्कूल के लेवल पे। मिसाल के तौर पे पहली टिप कि हर घर में कलर्स होने चाहिए और कागज़ होने चाहिए, और बच्चों को ऐसे फेंक दे कागज़ और कहें जो मर्जी करो उन कलर्स के साथ, बड़े भी करें बच्चे भी करें, हफ्ते में एक दिन होना चाहिए कलर्स का डे। ये मैंने अपनी तरफ से अभी इजाद की है टिप पे, है ना सोनल, खबरदार तुमने कहा ये ठीक है, कहना है ये पहली मेरी भी यही थी, ठीक है ये हम ब्रेक में बताएंगे, यू हैव टू एंडोर्स इट। हम चल के लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो 2, 3, 4, 5 ये 4 टिप्स आपको सोनल बताएंगे। वेलकम बैक जी, सोनल धनानी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करें, इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस पे बात होती नहीं है, तो अब हम एटलीस्ट बात करना शुरू हो गए तो हम इसको इंपॉर्टेंट इशू कहते, वरना बहुत टाइम से इसको इग्नोर भी किया जा रहा था, इसको इशू या इसको टॉपिक कंसिडर ही नहीं किया जाता था। सोनल जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब फाइनली हम बात करते हैं इस बारे में, देखते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया हो या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। मसले की हमने बात की, अब ज़रा सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कुछ हमें टिप्स दें, किस तरह खुद से कनेक्ट हो सकते हैं हम वापस, किस तरह से अपने अंदर पीस कायम कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली तो ये कि बिल्कुल हर घर में रंग होने चाहिए, कागज़ होने चाहिए, एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करें हर फॉर्म में। एक जो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग के अंदर और हमारे घर में जो हमने किया है कि हम एक्सप्रेशन भी बच्चों से वो चाहते हैं जो हमारे जहन में, कि बच्चा अगर एक्सप्रेस करे भी तो वैसे करे जैसे मैंने सोचा है, तो उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, अपने पैटर्न्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और अलाउ करें कि बच्चा किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, उसको समझने की कोशिश करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वन वे जर्नी नहीं है, इट्स अ टू वे रोड। आपकी भी एक मेंटल हेल्थ है, उनकी भी, सबकी अपनी अपनी मेंटल हेल्थ है। खुद को थोड़ा अलाउ करें कि मैं भी गुस्सा हो सकती हूँ तो मैं भी माफ़ी मांगूँ। हमारे यहाँ पे एक तो थोड़ी रिलेशनशिप्स में, फैमिली के हायरार्कीज़ में बहुत ज़्यादा पावर डायनामिक भी है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी अगर नरमी हम उसमें ले आएँ कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा हमेशा माफ़ी मांगेगा, अगर कभी मैंने माफ़ी मांग ली तो वो कितना इंकरेजिंग हो सकता है बच्चे के लिए कि माय इमोशन इज़ एक्सेप्टेड, और वो बच्चा चाहे किसी भी उम्र में हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, बट अगर आपका बच्चा 20s में भी है, अगर आपने उससे माफ़ी मांग ली तो दैट कुड बी अ वेरी इनकरेजिंग। वैसे ये सिनेरियो सोनल जो तुमने सामने रखा है, जरा एक दो मिनट के लिए इसको सोचें कि एक 50 साल का बाप है और 23 साल का बेटा है या 20 साल का बेटा है, और बाप उसे कह रहा है कि बेटा मुदस्सर मैं एक मिनट बात करना चाहता हूँ तुमसे। जी बाबा,
वो आई वॉन्ट टू से सॉरी, कल रात को डिनर पे जो मैंने वो बात कर रहा था, मैंने बाद में सोचा है आई वॉज रॉन्ग, सो सॉरी आई हर्ट यू. ये बड़ा मुश्किल है कहना. मुश्किल है बट इट कैन रियली चेंज एवरीथिंग. मैं तो बाप हूँ और ये तो फिर कल मेरी रिस्पेक्ट नहीं कहेगा. ये तो कहेगा कि बाबा आपको याद है वो लास्ट मंथ आपने वो जो डिनर पे जो बाद में फिर आपको सॉरी करना पड़ा था, तो यू नो ये इसके इस खतरे को आप कैसे देखते हैं? हाँ, लेकिन इस खतरे को मैं ऐसे देखती हूँ कि आई एम श्योर कि कितने फादर्स होंगे जो सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये माशरे ने ये सख्ती हम सब में डाली हुई है. ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे फादर्स हैं जो ये सॉरी नहीं कहना चाहते और वो रियलाइज नहीं करते कि मेरा गुस्सा या मेरा जो भी बिहेवियर था वो बेवजह था. लेकिन यही जो है ना कि अगर मेरा बेटा अगर कल को मुझे ये कह देगा तो, बट क्या हुआ अगर उसने नहीं कहा तो? लेकिन आपने थ्रू आउट उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, आपने थ्रू आउट उसको ये उसमें रख दिया कि ठीक है बस क्योंकि मैं फादर हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ. मुझे लगता है कि अगर एक दफ़ा इस तरीके की कन्वर्जेशन आपके घर के इन्वायरमेंट में जनरेट हो जाती है ना कि अगर कोई गलत है उसने सॉरी कर दिया तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, वो इतना हेल्दी इन्वायरमेंट फिर बन जाता है. तो आप उससे ये भी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, आप उससे ये बताना शुरू करते हैं कि आपका बिहेवियर और आपका इमोशन दो अलग चीज़ें हैं. मैंने कुछ महसूस किया, उसको महसूस करते हुए कोई बिहेवियर दिखाया, तो वो बिहेवियर मेरी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने कुछ महसूस किया वो बहुत ज़रूरी है. ओके, यस. तो अगर वो फिर घर के एनवायरनमेंट में आहिस्ता आहिस्ता आने लगता है तो आप सोचें आहिस्ता आहिस्ता हर कोई बताने लगेगा कि फिर कोई छोटा बड़ा नहीं बड़ा रहेगा. नहीं, शायद रिस्पेक्ट बढ़े, बहुत बढ़ेगी रिस्पेक्ट बढ़े. तो जी दूसरी टिप ये होगी, पहली टिप आपको याद आना कि कलर्स हों, कागज हो, और हफ्ते में एक दफा पूरी फैमिली बैठ के कुछ ना कुछ ड्रॉ करें, अपने इमोशंस को ड्रॉ करें. ये ना कहें कि इमोशंस को, आपने कहने जो कुछ ना कुछ ड्रॉ करें. और दूसरी टिप है कि सॉरी कहना, सॉरी शुरू करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, दोस्तों को सॉरी करना शुरू करें, हमसाए को, रास्ता चलते किसी को कुछ हो जाए तो सॉरी. आई वुड से कि आपस में जो ना अफेक्शन दिखाएं, और हमारी सोसाइटी लार्जली जो है हम एक्सप्रेसिव बहुत कम है, स्पेशली जहाँ पे प्यार का एक्सप्रेशन है ना वो बहुत डिफरेंट है हमारी सोसाइटी में. सो एग्जांपल अगर हम अपने घरों में देखें तो बाप का बेटे को गले लगाना या प्यार से चूमना या मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक सिंपल इतना सा, बहुत शर्माते हैं हम लोग. या दिल में बहुत प्यार होगा लेकिन उसको जताने का तरीका बहुत अलग होगा. नाइट पैकेज में तो फौरन हम क्या देते हैं, आई लव यू, सिर्फ वहां पे हम बिल्कुल नहीं घबराते. इसलिए तो वो ऑफर्स भी आप देखें ना यूथ और यंगस्टर्स के लिए, वहां पे तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता. लेकिन ये मैंने बहुत दफा एक्सपीरियंस किया अपने वर्कशॉप्स के अंदर जहाँ पे लोग खुल के कहते हैं कि मैं आज तक नहीं कह पाया. लेकिन ऐसा नहीं कि क्या वो सेफ स्पेस नहीं क्रिएट की गई कि आप उसमें एक्सप्रेस कर सकें? इसमें आप अपने भाई को, बहन को, माँ को, तो नाइट पैकेज में सेफ स्पेस दी जा रही होगी ना. लेकिन आप देखें ना उसकी वजह से क्या होता है कि आप वो स्पेस आपके पास नहीं है, देन यू फॉल फॉर द रॉन्ग स्पेसेस. यस. एंड देन इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग फॉर द एक्सपेंसिव थेरेपीज. दैट्स द पॉइंट. सो अगर आप वो स्पेसेस क्रिएट करने लग जाएं, दैट्स द टिप नंबर 3. टिप नंबर 4 इज टू डू समथिंग कलेक्टिवली. और वो कुछ भी हो सकता है, साथ में कुकिंग करना हो सकता है, बारबेक्यूज का कल्चर हमने जो किया है वो अच्छा है फैमिलीज के अंदर, कोई भी नो डिजिटल डे हो सकता है आपके घर में जहाँ आप कुछ डिजिटल ना करें बट कोई ट्रेडिशनल गेम्स खेलें. जैसे कोविड में काफ़ी फैमिलीज ने किया, कैरम खेलें, लूडो खेलें, बट जिसमें आप आपस में बात करें, जनरेशन का गैप्स भी कम करें. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी जनरेशन भी महसूस करती है कि अब बच्चे तो हमसे बात ही नहीं करते, तो वो गैप को भी कम करना बहुत ज़रूरी है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर आपको लगता है कि टुडे आई एम नॉट प्रोडक्टिव, अलाउ योर सेल्फ टू बी नॉट प्रोडक्टिव. इट्स ओके अगर आपको लगता है कि आज मैं इतना अचीव नहीं कर रही, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. वो चाहे किसी भी एज का मेम्बर हो आपके घर का, या आप खुद हैं, या लार्जर आपके घर से निकल के फ्रेंड्स में, फैमिली में, लार्जर सोसाइटी में, कोई भी जो ये शो देख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटली आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, इट्स ओके टू बी लेजी फॉर अ डे. खुद को इतना पुश ना करें कि हाउ आई कैन नॉट बी प्रोडक्टिव.
मुझे लगता है उस एफर्ट में हमने खुद को ज़्यादा हमारी ज़हनी सेहत को बिगाड़ा है, जहाँ हम खुद को अलाउ नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते कि आज मुझ में ये इमोशन मौजूद है या आज मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ. हम सब बहुत इस कोशिश में होते हैं, हमें बस ये बताया गया गुड इमोशन और बैड इमोशन और हर वक्त अच्छा महसूस करना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है. इंसान पैदा इतने जज्बात के साथ और इतने इमोशंस के साथ हुआ है, तो कैसे मुमकिन है कि आप हर वक्त सिर्फ खुश रह सकते हैं. तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें कि आज मैं खुश महसूस नहीं कर रही, आज मेरा इमोशन कुछ और है और वो भी मेरा हिस्सा है. लेकिन सोनल, हम खुद भी खुद बेशक हम ये चीज़ फील कर रहे होते हैं, और जिस तरह आपने बात की, बिकॉज आप जो बात करी बहुत वैलिड है, आई बिलीव कि सब लोग इससे रिलेट भी कर रहे हैं यहाँ पे. बट एट द सेम टाइम जो जिस एनवायरनमेंट में आप होते हैं, वो लोग आपको अलाउ नहीं कर रहे होते कि आप उस दिन के लिए अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं. या वो अगर आप अपने सोसाइटी ने आपके लिए स्टैंडर्ड जैसे बनाए नहीं कि यू नो हर दिन आपका बड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए, बा मकसद जिंदगी, बा मकसद दिन, ये स्टैंडर्ड्स बड़े. अगर हम ऑफिसेस की भी बात करें कि आपको एक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, आप उसमें अनप्रोडक्टिव हैं, आप खुद ये चीज़ फील करें, अपने आप को आपने समझा लिया ठीक है, ओके, इट्स ओके टू बी अनप्रोडक्टिव फॉर अ डे, बट एट द सेम टाइम जो आपका बॉस है या आपके आपके कुलीग्स हैं, वो बार बार आपको इस चीज़ को कैसे इग्नोर किया जा सकता है. अच्छा, यहाँ मैं ये कहती हूँ कि किसी ना किसी को ना ये मोमेंटो स्टार्ट करना है. मेंटल हेल्थ क्या जो हम कह रहे हैं कि एक मूवमेंट हमें स्टार्ट करनी हो, किसी ना किसी को उसको एक पुश देना होगा. इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, ये किसी एक का काम नहीं है. सो अगर कोई भी नहीं करेगा ये सोच के, बट आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप उस दिन ब्रेक नहीं लेते, वॉट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ, हाउ वुड यू फील इफ यू टेक अ ब्रेक, वुड यू फील दैट यू डिड लाइक यू नो यू वर काइंड टू योर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू बी काइंड टू योर सेल्फ, टेक अ ब्रेक. And it's okay, and speak loudly about it so that other people can take inspiration and they also take a break when they feel like taking it. इस वजह से आप देखेंगे corporates में भी आहिस्ता आहिस्ता culture आ रहा है. Mental health off day is becoming a trend. और कुछ corporates पाकिस्तान में भी अब इसको adopt करना शुरू कर रही हैं. Largely of course आहिस्ता आहिस्ता time लगेगा, लेकिन आप देखें ये schools, corporate, घर, हर जगह पर आहिस्ता आहिस्ता practice में आ रहा है. बट आई वुड से कि जितने लोग इसको ज्वाइन करेंगे, इस कॉज को समझेंगे, इस चीज़ को समझ के अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तब कहीं जाके हम इस पर और ये अभी भी मैं सिटी पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, जो हम हमारी रूरल पॉपुलेशन है ना, वो इस डिस्कशन से और इस चीज़ को समझने से अभी बहुत दूर है. जब बेसिक नीड इंसान की पूरी नहीं होती ना, ज़हनी सेहत को भी हम टच भी नहीं कर सकते. तो अच्छा जी, बहुत दूर. आखिरी आखिरी टिप. लास्ट आई वुड जस्ट से लाइक यू नो बिफोर बीइंग काइंड टू पीपल, जस्ट स्टे काइंड टू योर सेल्फ, बिकॉज कहीं पे भी आप जाएं तो जब तक आप अपने अंदर सुकून में नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, यू कैन नॉट क्रिएट अ गार्डन. लाइक यू नो आपको रंग फैलाने के लिए आपके अंदर अच्छे रंग होना बहुत ज़रूरी है और हर एक में होते हैं और हर एक में मौजूद हैं. हमने ना वो स्पेसेस अलाउ नहीं, बिल्कुल. हम मर्द को हमने रोने नहीं दिया आज तक. मर्द रोता है तो पता नहीं कितने पहाड़ के आसमान के गिर जाते हैं, कि टूट जाते हैं, तो मर्द रोएगा. अब आपके साइंस ने भी, आपकी मेडिसिन ने साबित कर दिया है कि हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह ये है कि आप इमोशनली आप लेट आउट नहीं करते अपने इमोशंस. एवरी फिजिकल थिंग इज कनेक्टेड टू योर मेंटल इमोशन. एग्जैक्टली. सोनल धनानी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके. यू आर डूइंग अ वेरी क्रिएटिव इंटरेस्टिंग वर्क. और अब हम कराची आ रहे थे तो हमने मैंने और सभी ने इस दफ़ा सोचा हुआ था कि हमने बस ठीक है कुछ शो बिजनेस और मीडिया के लोगों के इंटरव्यूज भी तो हमने करने हैं, लेकिन कराची में अपनी छोटी सी दुनिया में, वैसे कराची बहुत बड़ी दुनिया है exactly. लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया में कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा काम कर रहा है, यूनिक सा काम कर रहा है, उनको हमने ढूंढना है और उनको हमने राइजिंग पाकिस्तान में आपसे मिलवाना है. एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू कि यंगस्टर्स लाइक यू आर थिंकिंग ऑन सच इश्यूज एंड वर्किंग टुवर्ड्स देम. थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर टू बी हियर. बहुत शुक्रिया जी सबीन. बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में आज लोग हमें फीडबैक तो देंगे, बट एट द सेम टाइम आज आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगी, दिन का आगाज़ आपके प्रोग्राम के आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह सोनल ने बात की कि अपने आप को सबसे पहले देखें, अपने आप के साथ आप अगर काइंड होंगे तो उसके बाद आप काइंड दूसरों के साथ हो सकेंगे. अपने अंदर अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो गुस्सा फिर कभी रोड पे जाके निकलेगा, वो गुस्सा कभी ऑफिस में, वो गुस्सा कभी घर में निकलेगा. तो पीस अपने अंदर आपने पहले कायम करना है और उसके बाद आप पीस को स्प्रेड कर सकते हैं. लेकिन जी, लेकिन अपने साथ इन दो लड़कियों की बातों में आपने मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मैं जरा क्लैरिटी चाह रहा हूँ. दोनों ने कहा अपने साथ काइंड हो. अपने साथ काइंड होने का मतलब ये नहीं कि 101 किलो वजन आपका हो गया है
और हाँ। अभी आप जाके शाम को फिर कढ़ाई और नान खाएं कि आई एम ट्राइंग टू बी काइंड टू माई सेल्फ। नो, ये बात है वैसे। ये वाला काइंड नहीं ये वाला काइंड नहीं है। आपने हेल्थ और फिटनेस जो कि हमारा मोटो है राइजिंग पाकिस्तान का, उसका बहुत ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी। वैसे तो जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, इससे भी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है। ये भी एक टिप हम वैसे ऐड कर सकते हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, तो मैं और सबीन आपके लिए मेहमान इसी तरह राइजिंग पाकिस्तान में लाते रहेंगे। खुदा हाफिज़।